नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीवन के रहस्य में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल के द्वारा आपके समक्ष जो वीडियो पेश करते हैं, उन वीडियो का उद्देश्य है कि आप अपने सपने में क्या देखते हैं और आपको उसका क्या फल मिलता है। तो हम शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला सपनों के रहस्य से। अभिमान करते हुए सपने में देखना। आपके जीवन में आपके साथ जो घटित हो रहा है, क्या आप उससे परेशान हैं? क्या आप अपने ऑफिस में जाते हैं, जब काम करते हैं उसके बावजूद भी आपका बॉस आपको सबके सामने अपमानित करता है? आपके कमजोर पक्ष को लेकर आपके दोस्त आपको अपमानित करते हैं? कभी कभी पैसे की वजह से आपके घर में तंगी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको अपनी पत्नी के सामने अपमानित होना पड़ता है। आपकी संतान पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं है, उसकी वजह से आपको स्कूल में प्रिंसिपल के सामने अपमानित होना पड़ता है। तो इन सब की वजह है आपने सपने में अभिमान करते हुए देखा हो। सपने में अगरबत्ती जलती हुई देखना। आप किसी काम से अपने घर से बाहर निकले और रोड पर पहुंचे, अचानक आपका किसी कार से या मोटरसाइकिल से, बस से या किसी ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, आपके साथ दुर्घटना घट जाती है। सोचिए, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं और किसी ने आपका पर्स मार लिया और आप पैसे के लिए मोहताज हो गए, ये दुर्घटना आपके साथ घट रही है। आप घर पर बैठे हैं और अचानक आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके एटीएम से पैसे निकाल लिए गए, जबकि आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर ये सारी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, तो हो सकता है आपने अपने सपने में अगरबत्ती जलती हुई देखी हो। सपने में अंगीठी जलती देखना। क्या आपके जीवन में सब अशुभ हो रहा है? क्या आपने एक नया मकान खरीदा है और वो आपको फल नहीं रहा है, वो आपके लिए अशुभ है? जब से आपने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ी है और नई नौकरी ली है, तब से आपके साथ बुरा हो रहा है? क्या जब से आपकी शादी हुई है आपको परेशानी आ रही है, इसके बावजूद कि आपकी पत्नी सुंदर है, सुशील है, गुणवती है, उसके बावजूद भी आप परेशान हैं, वो आपको शादी फल नहीं रही है, यानी कि क्या वो शादी अशुभ है? अगर आपके जीवन में ये सब घटित हो रहा है, तो हो सकता है आपने सपने में अंगीठी जलती हुई देखी हो। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।